दोस्तों इस वीडियो में मैं जबरदस्त और कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करने वाली है। लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद में जो भी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को काम के तरीके से या फिर उसकी थोड़ी समझे बिना ही अगर प्रैक्टिस करता है तो उसकी सिचुएशन एक ऐसे नाविक की तरह हो जाती है जिसको ये मालूम नहीं होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, और जब दिशा ही मालूम नहीं है तो जाने का क्या मतलब है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब भी हम कोई भी काम की शुरुआत करें उससे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझें, तभी उस काम की जो है प्रैक्टिस करें और तभी उस काम में सफल हो सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, पहले किसी भी काम की शुरुआत करते समय उसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि दिन के जो 24 घंटे होते हैं, अगर आप लगातार 24 घंटे कुछ सीखते हो, लर्न करते हो, तो आपका दिमाग जो है कभी भी थकान महसूस नहीं करता। पर शर्त यह है कि जो आप सीख रहे हैं वो किसी के कहने से या फिर किसी के दबाव से सीख रहे हैं तब तो आपको थकान महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है, अगर आपकी खुद की रुचि है किसी की चीज़ को सीखने में, तो आपका दिमाग कभी भी जो है थकान महसूस नहीं करेगा, बल्कि ओल काम की तुलना में। जैसे कि मान लो अगर आप ज़्यादा आराम कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, हर काम में आपको थकान जो है महसूस होगी, लेकिन आपको सीखने में कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। चाहे आप करके देख लेना, आप प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को अपनी रुचि से, जो भी आपका जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस चीज़ को आप लगातार सीखना, आपका दिमाग कभी भी थकान महसूस नहीं करेगा। उसके बाद में मैं बात करूँगा कि अगर आपको जीवन में वास्तविक खुशी का, सच्ची खुशी का अनुभव करना है तो चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। बताता हूँ कैसे। जो इंसान होता है ना उसको धोखा हमेशा अपने विचारों से मिलता है। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति होता है अपने थॉट के माध्यम से बना लेता है कि मेरे लिए यह आदमी अच्छा है, ये मेरे लिए यह आदमी गलत है। आदमी जिसे वो अपनी सोच के हिसाब से अच्छा मानता है उसके साथ वो आदमी कुछ गलत कर देता है तो उसे वो धोखा मान लेता है, जबकि उसको धोखा अपने विचारों से हुआ है। वैसे जो ये धोखा मिलता है ये अच्छा होता है, जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि इंसान को हमेशा धोखा अपने विचारों से मिलता है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँगा कि इस दुनिया में एक अच्छा और समझदार व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ की ख्वाहिश रखता है, वो है ज्ञान की। वैसे इस पृथ्वी पर एक ही चीज़ है जिसे ज्ञान की ख्वाहिश रहती है, वो है इंसान। हम प्राणी जिसे ज्ञान की जरूरत हो और किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, और जिसने ज्ञान की ख्वाहिश रखी है वो हमारे लिए आज आइडल है, हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। इसलिए याद रखिए कि अगर अच्छा और समझदार व्यक्ति बनना है तो हमेशा ज्ञान की ख्वाहिश रखना है। जहाँ से भी सीखने को मिले हमेशा सीखने की ख्वाहिश रखिए। और आपको पता है कि जिसने सीखने की चाह रखी है, जिसने जीवन में लर्निंग पर फोकस किया है, आज वो हम सबके लिए आइडल है, इंस्पिरेशन है, और वही व्यक्ति सफल ज़्यादातर हुए हैं। और जो लोग सफल हो रहे हैं उनमें भी एक सबसे बड़ी जो अच्छी आदत है वो यही है कि वो हमेशा सीखने की चाह रखते हैं, और यही आदत आपको जो जीवन में समझदार और दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बना सकती है। उसके बाद में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा कि ज्ञान होना जरूरी नहीं है, किसी काम के बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं है जब तक कि उस जानकारी को काम में नहीं लेते। इसी तरह किसी काम की इच्छा शक्ति होना काफ़ी नहीं है, काम करके दिखाना होगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं कि मुझे ये भी पता है, मुझे इसके बारे में भी पता है, मैं ये सब जानता हूँ, मैं ये कर भी सकता हूँ, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। भैया जब तक आप दुनिया में कुछ करके नहीं दिखाओगे ना तब तक कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास सबसे बड़ी पावर है। आप उस चीज़ को अपने काम में जो एफर्ट डालिए आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आप सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास इच्छा शक्ति है, आपके पास जानकारी है, तो दोनों को मिलाइए और ये दोनों आपके लिए बहुत बड़ा जो है अपने काम में जो आपको अच्छे परिणाम दिला सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा कि जब आप पूरे दिन अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो आपकी जो रात की जो नींद होती है बड़ी सुखद होती है। आप इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको अपनी ईमानदारी से पूरे दिन करेंगे तो आपकी जो नींद है वो बड़ी सुखद भरी होगी। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि कला कभी खत्म नहीं होती, जो आपकी कला है वो कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रकार के अंदर आपने जो कला सीखी है, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आपके अंदर कला है वो कभी खत्म नहीं होती। हाँ जरूर आपकी उम्र के हिसाब से आप जरूर उसे त्याग सकते हो, लेकिन वो खत्म नहीं होती।
इसलिए जो भी आप कला सीखें, एक बात याद रखें कि कला कभी खत्म नहीं होती और वो कला आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दे सकती है, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आपके एक करियर को नई दिशा दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको किसी न किसी फील्ड में जो है अपनी खुद की कला सीखनी होगी। अगर आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद डेवलप करना चाहते हैं, अपनी कला खुद बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि कला कभी भी खत्म नहीं होती, इसे सिर्फ त्यागा जा सकता है। और इस वीडियो का जो निष्कर्ष है वो यही कहना चाहता हूँ कि जो सीखना होता है ना वो कभी थकाता नहीं है, आप सीखने से कभी भी थकते नहीं है। चाहे आप प्रैक्टिकली अनुभव करके देख लेना, चाहे आप कितने भी घंटे कोई चीज़ अपनी रुचि के अनुसार सीखने का प्रयास करना, आपका दिमाग कभी भी आपको जो है थका हुआ महसूस नहीं होने देगा। और अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही नॉलेजेबल मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर।